अच्छा लग रहा है वोट देख करके, अपने लाइफ के बारे, अपने फ्यूचर के बारे में पहली बार डिसीजन लेकर के अच्छा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, पटना साहिब जो लोकसभा है उस क्षेत्र के अंतर्गत वेटनरी कॉलेज है जहां पे बूथ बनाया गया है। यहां पे फर्स्ट टाइम वोटर है अनन्या, जो मुंबई से चलकर बिहार आई है वोट देने के लिए। फर्स्ट टाइम वोट दे रही हैं आप जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वोट देख करके, अपने लाइफ के बारे, अपने फ्यूचर के बारे में पहली बार डिसीजन लेकर के अच्छा लग रहा है। आपने वोट दिया है, किन मुद्दों पे दिया है, क्या सोचा है आपने वोट देने से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट अगर यूथ के लिए देखा जाए तो है एम्प्लॉयबिलिटी और एडुकेशन, तो ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए वोट करने के लिए। अच्छा, मुंबई से आपने मतलब वोट देने के लिए आप बिहार आए या और कोई काम से आए? बिहार तो आना ही था और उसी समय वोट भी था तो रुक गई वोट के लिए। हाँ, एक बड़ा सवाल है कि आप बिहार से बाहर हैं, मुंबई रहते हैं, आखिर मुंबई क्यों जाना पड़ा, क्यों बिहार में आपने रहकर जो पढ़ाई लिखाई है वो क्यों नहीं कर पाए? बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स भले ही कितने हो लेकिन प्राइवेट जॉब्स के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, उतना एक्सपोजर नहीं है जितना बाहर की स्टेट्स में मिल जाता है, स्पेशली कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, तो इसलिए वहाँ जाना ही पड़ा। क्या लग रहा है, बिहार अब बदल रहा है या बिहार डेवलप कर रहा है या अभी ज़रूरत है अभी बदलने की? अभी तो बहुत ही ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं होती तो हमें बाहर जाना ही नहीं पड़ता, तो हाँ। अनन्या क्या सोचती है बिहार को लेकर, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? हायर एडुकेशन के लिए कुछ बेटर होना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। यहाँ की एक हिस्ट्री थी जिसको लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री बहुत पुरानी हो गई है, अब एक नई स्टोरी बनानी पड़ेगी और नई हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, उसके लिए कोई अच्छा लीडर चाहिए और अच्छे पॉलिसीज चाहिए। क्या लग रहा है, जो इस तरह से 10 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, देश का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कई कहीं कई जगह हुआ है, कई जगह शायद नहीं हो पाया। कहाँ लग रहा है कि आपको कि बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट फेल्योर साबित हुई? देखा जाए तो इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया है हर कंट्रीज में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है और बहुत ही कुछ हुआ है, डिमोनेटाइजेशन वगैरह था जो कि लोगों को प्रॉब्लम किया, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा भी हुआ है कुछ बुरा भी हुआ है। मुंबई में आप क्या करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। चलिए, अनन्या की माँ हैं, हम बात करेंगे, आपकी बच्ची बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है, पहली बार वोट देने आई है, क्या कुछ कहिए? क्या देखिए, वही तो कह रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन पॉलिसी को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस तरह की पढ़ाई है नहीं, इसलिए मजबूरन हम लोगों को बाहर भेजना पड़ता है। अगर यहाँ अच्छा शिक्षा पॉलिसी रहता या कॉरपोरेट ये वगैरह रहता तो हम लोग सर्विस के लिए बाहर भेजेंगे, यहीं हमारा बिहार ही काफ़ी है इसके लिए, लेकिन मजबूरन हम लोगों को बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़ता है। वोट दिए हैं, क्या कुछ सोचकर वोट किए हैं, क्या कुछ दिमाग में रहा? दिमाग में आया है यही कि थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा और सुधरे, कुछ कॉरपोरेट जगत यहाँ पर को बढ़ावा मिले यहाँ, जबकि हमारा बिहार तो सब जगह नामी है हर चीज़ के लिए, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। और क्या, स्वास्थ्य और जातिवाद भी थोड़ा यहाँ हावी है, उसको भी खत्म करना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी मतलब आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लिटरेसी आनी चाहिए, इसलिए ये सब मुद्दे तो हैं, बिना मुद्दा के तो आदमी। 10 सालों में जिस तरह से एनडीए की गवर्नमेंट रही है, देश का विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ, पूरे दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, तो इंडिया का नाम हो रहा है, ये तो गर्व की बात है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं, तो विकास तो हुआ है, विकास। तो आपने देखा जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर थे वो अब पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं, मुंबई से लोग वोट देने के लिए पटना पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र पे आज पहुंचकर वोट कर रहे हैं। आज आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का आज चुनाव है और आज आखिरी मतलब चरण की समाप्त हो जाएगी, इसके बाद 4 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी।
ब्रास कौन इतना ही इतना ही इसी तरह तमाम कुलग्राम से बने रहे हैं। फर्स्ट वी आज झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।